नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला साहब हैं जो कि रानिया से निर्दलीय के तौर पर जीत कर आए हैं। चौटाला साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी नई सरकार बनने जा रही है और उसमें हमने ये भी सुना है कि आप उस सरकार में भागीदार हैं जी, तो यही पूछना चाहेंगे कि क्या कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है नई सरकार में? नहीं, मुझे अभी इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं खाली आपसे ये सुन रहा हूँ। अभी तो मेरा एक ही काम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट दूँ। मैं दूसरे साथ MLA भी आए, सब अपने अपने तरीके से आए, कोई किसी के साथ, सब अपने अपने आए थे। हम सब ने एक बढ़िया सरकार के लिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए उन्हें अपना समर्थन दिया है। मैं सबसे पहले MLA था इंडिपेंडेंट में जिसने जाके उन्हें समर्थन करा, और मैंने पहले दिन भी कह दिया कि कांग्रेस की संख्या है 60, मुझे इस बात से मतलब नहीं, मैं भाजपा के साथ हूँ। मोदी जी को देख के मेरा, मैं उनको छोड़ के आया हूँ, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, चाहे आपके 30 MLA आए, आपके 63 आए। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे नंबर आए बीजेपी के पास 40 आए, 7 आप निर्दलीय चुनकर आए थे और HLP के कैंडिडेट ने भी सपोर्ट कर दिया कि 48 हैं और बड़ी अच्छे से सरकार बन रही है, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि टर्निंग पॉइंट आया कि बीजेपी को फिर JJP का साथ भी लेना पड़ा? सिर्फ निर्दलियों के सहारे सरकार क्यों नहीं बनाई गई बीजेपी की ओर से? देखिए, वो दो पार्टियों की टॉक से उन्होंने बैठ के आपस में कि उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, ना हमारा उसमें झांकना उचित था, उन्होंने फैसला करा। हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, उन्होंने फैसला करके करा, हमने खाली सुन दिया कि उन्होंने करा। हम इस बात से खुश हैं कि जिस गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट करा उसको और बहुत बड़ा समर्थन मिल गया। सुना है कि आपकी मुलाकात हुई थी जब आप जीत कर आए और अमित शाह से बात हुई, मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या क्या हुआ है कि आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं, तो फिर बदले में क्या? मैं अमित शाह जी से नहीं मिला था, मैं नड्डा साहब से मिला था और अनिल जैन साहब थे, उसके बाद मेरी CM साहब से फोन पे बात हुई, मैंने अपना समर्थन दे दिया था। कोई चर्चा मिनिस्ट्री का नहीं हुआ, ना मैंने कोई चर्चा करा, ना उनकी तरफ से कोई चर्चा हुआ, खाली ये हुआ कि रंजीत सिंह जी आप ठीक आदमी हैं, आप साथ दे रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद, मैंने उन्हें समर्थन दिया। आप कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए और आप जीत हासिल की, क्या लगता है कि कांग्रेस के पास जो आंकड़ा आया और ये चर्चा है और मैं भी मानता हूं कि 8-10 सीटें या टिकटें ऐसी दी गई जो अगर चेंज की जाती, मान लीजिए अगर आपको टिकट दी जाती या ऐसे बहुत और सारे लोग थे, उम्मीदवार थे, कि कांग्रेस भी ये नंबर हासिल कर सकती थी? आपको लगता है कि वो टिकटें गलत दी गई, अगर सही दी जाती तो शायद कांग्रेस आज BJP के बराबर खड़ी होती? टिकट गलत दी गई। कांग्रेस में एक ऐसा भी देखा जाता है जो आदमी जनाधार का उसे काटने का काम करते हैं, उन्हें ये रहता है कि जो देवलाल का बेटा है ये आगे ना निकल जाए, इस करके भी वो मुझे एक सर्टन साइज पे रखना चाह रहे थे। और टिकट के मामले में मेरा 4 दिन लटकाना, आखिरी रात मुझे कह देना कि हम आपका टिकट नहीं दे सकते, मैडम नहीं मान रही, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जब भी हरियाणा में कहीं रैली हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा भीड़ रंजीत सिंह की आती थी, सबसे बड़ा आधार मेरा था। मैंने फिर कांग्रेस को अब दिखा दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, उन्हें केवल 8,000 वोट आए, मैंने जमानत जब्त कराई है, सभी कैंडिडेट सामने थे, सबकी जमानत जब्त नहीं। आपको लगता है कि अगर वो सीटें सही बांटी जाती, आपको मिलती कुछ और लोग जो थे, तो ये आंकड़ा अच्छा होता और कांग्रेस के पास भी चांस होता कुछ? स्टेट बहुत बड़ी है, बहुत लोगों ने निर्णय करना था, उसकी प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकते। आपकी सबसे बढ़िया थी, मैं समझता हूँ आप ही ठीक बताते हैं, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। हमने सब चैनल देखे, जो आपका विश्लेषण था वो किसी का नहीं, इस बात के आपके विश्लेषण को मैं सलूट करता हूँ। कांग्रेस ने जो गलत टिकटें बांटी, आपको क्या मानते हैं कि उसमें खींचतान यही रही कि ये सैलजा का बंदा है, ये तंवर का बंदा है, ये हुड्डा का बंदा है, और उसी चक्कर में पार्टी ने नुकसान करवा लिया? कांग्रेस में सदा से ये रहा है, इस बात का कांग्रेस को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस वही हो जाएगी जो उड़ीसा में, बिहार में और बंगाल में, हरियाणा में कांग्रेस नाम का कोई पक्ष ही नहीं रहेगा, खत्म है कांग्रेस। इसके बाद ये जो आगे ये देख के हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोहतक सोनीपत में से 12-14 सीटें मिलेगी, बाकी कहीं है ही नहीं, अगली बार कांग्रेस 5 पे भी नहीं आएगी। हमने देखा जब आप जीत गए तो जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, वो आपको चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लेकर गई हैं, मतलब क्या हुआ कि आपसे बातचीत हो गई थी पहले और आप अपनी रजामंदी से गए हैं, आपके साथ कांडा भी थे, क्या कुछ रहा है वो चार्टर्ड प्लेन में ले जाने वाला मामला क्या था? नहीं, कोई चार्टर्ड प्लेन में नहीं था, उन्होंने आना था, मुझे ये नहीं था कि चार्टर्ड प्लेन है या स्टेट गवर्नमेंट का था, मैंने ये नहीं देखा, रात को चले थे। ठीक है, तो मैं उनके साथ यहाँ दिल्ली चल के आ गया, मुझे जानकारी थी कि वो जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ आ गया, रिजल्ट निकल गया था, मुझे दिल्ली आना था। मैंने देखा रात को ट्रैवल करेंगे, बस उससे गाड़ी से जाएंगे, कार से, इससे बढ़िया ही है कि समय बचता है, मैं उनके साथ आ गया। गोपाल कांडा भी समर्थन कर रहे थे लेकिन काफ़ी वहाँ पर बवाल हुआ कल, हमने देखा जैसे तेरे, उसके बाद क्या है कि मामला अटक गया उनका?
मीडिया को जानकारी है, सभी चैनल पे आ रहा था, मैंने तो वही देखा जो आपका था। अब अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन थी, कब कैसी थे, क्या थे, ये मीडिया ज़्यादा जानता है, मुझे कोई जानकारी नहीं। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी और जेजेपी मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो दो विरोधी विचारधारा थी, चुनाव से पहले एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, एक दूसरे को कोसते भी थे, बड़े ब्लेम भी करते थे एक दूसरे को, अब ये इकट्ठे मिलकर क्या सरकार स्टेबल चल पाएगी? देखिए, जब कोई बुरा समय निकल जाता है ना, कौन किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर उस पर काटा मार देना चाहिए। घड़ी 9:10, 11:12 बजाती है, 12 के बाद घड़ी फिर दोबारा पीछे नहीं जाती, वो आगे एक पे चलती है, पिछले पे काटा मारे, अब आगे चलाना चाहिए। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। तो रंजीत सिंह चौटाला जो कि निर्दलीय चुनकर आए हैं, और जो सभी निर्दलीय हैं वो तकरीबन बीजेपी का साथ दे रहे हैं। पहले लग रहा था कि बीजेपी निर्दलियों के सहारे सरकार बनाएगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर अब हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, और इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और डिप्टी सीएम जननायक जनता पार्टी का होगा।